प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अफ्रीकी देशों के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अफ्रीकी देशों की तरक्की के लिए मंत्र दिए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, अगर अफ्रीका अपनी प्राथमिकताएं तय करता है तो उसे विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अफ्रीका को भारत की ओर से दिए जाने वाले मदद का भी भरोसा दिलाया। बता दें कि पीएम इससे पहले रवांडा को 200 गायें भेंट कर चुके हैं। चीन की राजधानी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के बाहर धमाका हुआ। हालांकि इस घटना में किसी नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। ब्लास्ट के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। हालांकि धमाका किसने किया और क्यों किया, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और न ही इस घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने ली है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित शेल्टर होम में 29 बच्चियों के रेप के मामले में बिहार सरकार ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में RJD के विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बिजली बिल के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। यहां जावरा तहसील में लोग बिजली के बढ़े हुए बिल से खासे परेशान हैं। बिल में बढ़ती जा रही लापरवाही का नजारा तो तब देखा गया जब कई घरों में बिजली का बिल 7,000 की बजाय 25,000 का आ गया। ये लापरवाही एक ऐसे वक्त में आया जब 11 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली बिल माफ किया और कहा था कि 200 रुपये ही प्रति माह संभल योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को देना होगा। जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क बुरी तरह से पिट चुकी है। ये अंदाजा उसके कलेक्शन को देख कर भी लगाया जा सकता है। धड़क को रिलीज हुए मैच 6 दिन हुए हैं और इसके कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म सैराट की तरह बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन इस फिल्म का बजट निकालना भी अब मुश्किल हो गया है। धड़क का अब तक का पूरा कलेक्शन 47 करोड़ 35 लाख रहा है।